हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो आप केमिस्ट्री का जो कोआर्डीनेशन कंपाउंड कर रहे थे वो एक टॉपिक है आइसोमरिज्म। तुसी सिलेबस देखियो कोआर्डीनेशन कंपाउंड के जो तुहानू जो ये टाइटल दे विच भी मैं हाईलाइट करके दस्या होया कि आइसोमरिज्म टॉपिक जो है वो जो है आप एम सी क्यू जड़े आ करन लगे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैगा या ये क्वेश्चन आराम दे नाल बन सकदा। शुरू करते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज इनेंचुमर, एक कोआर्डीनेट कंपाउंड है जो मैं तुम्हें पिछले दस चुकी थी स्केयर ब्रैकेट के विच है, ठीक है। इन्हां दे विचों असी देखना किहड़ा कंपाउंड इदां दा आ जिहड़ा इनेंचुमर शो कर सकता, ठीक है। आपां आंसर डिस्कस करांगे तुहानूं डिटेल दे विच, मैं दसांगी। देखो ऑप्शन नंबर उन्होंने उत्थे दित्ता बी, कारण देखते हैं। देखो तुहानू ओह्दे पहले लिगेंड्स के बारे जानकारी होनी चाहिए। एक होंगे यूनीडेंटेड लिगेंड, एक होंगे बाईडेंटेड लिगेंड, डाई भी कह दें आप इन्हों। हुण देखो यूनीडेंटेड लिगेंड की होंगे तो बाईडेंटेड लिगेंड होंगे की आ, एक लिगेंड आ, ठीक है। जे उहदे विचों जिहड़ा एटम आ वन साइड तो कोआर्डीनेट कर सकता सेंट्रल मेटल एटम उन्हें यूनीडेंटेड कहें, जे वह दो एटम के थ्रू कर सकता उन्होंने बाईडेंटेड कहें, दो तो ज़्यादा तो कर सकता पॉलीडेंटेड, फिर अप टू सोन चलता रहता। हूँ सी एन आ, मैं तुम्हें कहा ही सी एक वीडियो के, मैं तुम्हें सारे अज ही ये आप अज ही काम कर देवे, अज ही मैं तुम्हें जोड़े लिगेंड्स आ उन्होंने चार्ज की एक वीडियो यूनीडेंटेड बाईडेंटेड लिगेंड एक वीडियो अज ये ही होएगी जिस तुम्हें ये क्लीयर हो जाएंगे, ठीक है। सो आ यूनीडेंटेड लिगेंड लगे इन्हों, ठीक है। तो यदा कोआर्डीनेशन नंबर सिक्स है ऑक्टाहेड्रल, यदा सिक्स है ये, मैं तुम्हें कल दस ही कोआर्डीनेशन नंबर जिन्ने लिगेंड अटैच आ छे आ, इनू चार अटैच आ, इनू भी चार अटैच आ, तो हो गए। बट ये जड़ा है ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, ठीक है। तो ये बाईडेंटेड लिगेंड है तो यह ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, इसलिए सानू डाइडेंटेड लिगेंड चाहिए सीगा, वो है ये वाला ऑक्सैलेट, ठीक है। सो इस करके साडा जिहड़ा इत्थे आंसर की आया ऑप्शन नंबर बी की है, ये क्योंकि इन्हें इनेंचुमर क्यों शो करना, क्योंकि ये डाइडेंटेड लिगेंड साडे कोल हैगा। क्लीयर है जी तुहानू ये गल। नैक्सट क्वेश्चन आप देखते हैं, हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर डज द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़, ये को किन्ने स्टीरियो जिहड़े आइसोमर होणगे। सो आप देखते हैं किन्ने होणगे, एक्चुअली ये कोल तीन होणगे, तुहानू दस्सदी किदा। फर्स्टली कंपाउंड हैविंग टू जमैट्रिकल आइसोमरिज्म, जमैट्रिकल पता है ना, जमैट्रिक दो होंगे, एक सिज एक ट्रांस। जे सेम ग्रुप आर ऑन द ओपोजिट साइड ट्रांस, जे सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड जे ही लगा दें मैं इतने वो बन जाने ताडे कोल सिज, जिदा हम लेट्स सी यही है ना, ये मैं क्लोरीन इदा लगा दवा तो ई एन इदा लगा दवा, सेम ग्रुप सेम साइड पर सिज बन जाता जी, यही आमो सामने कर दवा जिदा यही है ये ट्रांस। सो एक तो आराम ना जमैट्रिकल आइसोमरिज्म, दो तो ही हो गए, ठीक है। सो जमैट्रिकल सीज ते ट्रांस डिपेंडिंग बनता कि सिमिलर लिगेंड कितने लगे है, एडजेंकन लगे या ओपोजिट लगे, उन्हें भी यही दसी है। फर्दर मोस्ट वन ऑफ दैम इज सीज फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव एंड हैज़ टू नॉन सुपर इंपॉसिबल फॉर्म, मतलब कि एक सीज हो गया, अगे दो सुपर इंपॉसिबल फॉर्म हो गए, दो ही हो गए, सीज की एक होर फॉर्म हो जानी प्लस एक होर ऐड हो जाने का मतलब की है इतने कि तीन हो जाने टोटल, ठीक है जी। सो इतना नैक्सट है जी क्वेश्चन, द कोआर्डीनेट आइडेंटिटी सी आर सी एल ओ सलेट टू थ्री नैगेटिव इज ऑप्टिकली एक्टिव, कि यह हूँ मैं तुम्हें तो दसता ही डाइडेंटेड लिगेंड है, जिदा ये है ना ये भी डाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। ई एन बी इथाइलिन डायामाइन, ये देखो ये साढ़े को फॉल्स हैगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, मैं कारण दसती तुम हमें देखते आप। ये कोल पहला तो तुम्हें पता है वही सेम, जो मैं स्ट्रक्चर बनावा मैं ई एन की जगह बस इतनी ओ एक्स आ पिछले वाले नालों, तो सीज तो ट्रांस तो होनगियाँ, ठीक है। हुण ट्रांस जिहड़ा अचिराल चिराल होंगे अचिराल होंगे, ठीक है, जिहड़े ऑप्टिकल नॉन सुपर इंपॉसिबल मिरर इमेज देंगे वो चिराल दे विच जाणगे, जिहड़े नहीं देंगे अचिराल दे विच देंगे। जिहड़ा सीज हुंदा ना सिर्फ वही ऑप्टिकल एक्टिव है, इसलिए इस केस भी की होया ऑप्टिकली एक्टिव होने करके सीज़ा जिहड़ा ना इहदे विच इहने दस्सिया सी ना अगले क्वेश्चन च भी नाल नाल तुहाडी क्लैरिटी हो जाएगी, जिहड़ी सीज फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव हुंदी आ इस करके उहदियां दो फॉर्म हो जांदियां, नॉन सुपर इंपॉसिबल मिरर इमेज दे दिंदी, एक इधर हो गई एक इधर हो गई, जे मिरर विच रख दईए
फॉर्म दो आ सीज ट्रांसमिट सीज जो ऑप्टिकली एक्टिव होने करके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे जो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज देंगे ठीक है। इसलिए ये दो इनंशो मिरर तो यही हो गए थे एक ट्रांस हो गए इसलिए तीन से हूँ सेम ये इन्होंने गल की हूँ सेम ये इन्होंने गल की बस इतने की आ बस ई एन की जगह ओ एक्स है भी डाइडेंटेड लिगेंड ठीक है बाइडेंटेड सॉरी मतलब ए भी टू साइड कोआर्डीनेट जरा कर सकता है ठीक है सेंट्रल मेटल एटम नू तो बस ये सेम स्ट्रक्चर आ सेम सारा कुछ बस ये की आ कि सीज जी फॉर्म आ उही ऑप्टिकल एक्टिव जी एक्टिव आ ट्रांस नहीं हैगी इस करके स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं रहेगी क्लीयर कि मैजिक कमा हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव क्लीयर आ समझ रहे हो क्योंकि यदि फॉर्म्स तो दो आ जाए ना। हाँ जी ये तुसी देखना हैगा या किड़ा तुहाडे कोल आइसोमरिज्म हैगा बहुत ईजी है आइसोमरिज्म में इन्हें पहला भी जो तुसी प्लेलिस्ट जाके कोआर्डीनेशन कंपाउंड वीडियोस देखोगे ना शायद तुहानू उत्थे मिल जाएगी जिते मैं डिफरेंट काइंड ऑफ द आइसोमरिज्म शायद एक्सप्लेन भी किए होंगे बुक चो तो हुण इहदे विच देखो जमैट्रीकल आ जमैट्रीकल सीज ट्रांस के नाल ऑप्टिकल है ना लिंकेज हूँ मैं तुहानू दसदी लिंकेज ये जी अज मैं एक तां ना वीडियो जी एक लिगेंट्स से भी पाउनी उत्थों भी तुहानू ना ए वाले पता लग जाने केड़े आ जिहड़े दो मैं क्योंकि पूरा शेयर कर देना है मैं तुहानू अपना पूरे का पूरा टेबल उत्थों तुहानू पता लग जाने कि जे इत्थे मैं दो दस रही हाँ ये नाल नाल दे होर केड़े केड़े लिंकेज आइसोमर शो कर सकदे ये करता लिंकेज आ देखो कारण दसदी आ तुहाडी सेंट्रल मेटल एटम आ ना इहनू बी आर लगे आ चीज़ तो सारी जगह सेम रही सेम रही ना आ देखो फर्क इतने पिया इतने सेंटर नू जिहड़ा कोआर्डीनेट किया थ्रू एन किया इतने थ्रू किया ओ जे कोई इदा का लिगण लगा मैं आइसोमरिज्म की होंगे आइसोमरिज्म डेफिनेशन की होंगी सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट जी अरेजमेंट्स अरेजमेंट डिफरेंट फॉर्मूला बाकी सारा कुछ सेम रहे जिन्ने कोबाल्ट इधर उन्ने इधर जिन्ने बी आर इधर उन्ने इधर जिन्ने एन उधर इन्ने उधर बस अरेजमेंट जो फर्क पैंदा ना उस चीज़ में असं आइसोमरिज्म कह देंगे फिनोमिना समझ रहे हो मेरी गल इतने सेंटर जो कोआर्डीनेट होया थ्रू एन होया इतने थ्रू की होया ओ समझ रहे तो यह कड़ा आइसोमरिज्म हो गया लिंकेज आइसोमरिज्म इदा के आइसोमरिज्म की कहें लिंकेज आइसोमरिज्म क्लीयर आ जी तुम नैक्सट क्वेश्चन तो चलते हैं बाकी ये यही लिखा होना कि देखो कैमिकल बॉन्ड बाकी सारे सेम रहे ठीक है बस एक एनओ के थ्रू होया नाइट्राइटो ये भी तुम्हें नाम दसने मैं अज जो तुम एक ये ही सिलेबस है आई यू पी एस सी नेमिंग का वो तो सारा कुछ क्लीयर हो जाना जो थ्रू एन की बॉन्डिंग होंगी नाइट्राइटो एन कहते जो थ्रू बॉन्डिंग ओ हो जिदा ये हुई है सेंटर में यह नाइट्राइटो ओ इनू लिंकेज आइसोमरिज्म कहते जो इदा हो बस सिर्फ सेंटर नू फर्क पवे उधर लिंकेज आइसोमरिज्म सीन इन द कंपाउंड केड़े यूनिडेंटेंट पॉली चीलेड की एम बी हुण मैं तुहानू दस्सी एम बी क्या एम बी दे की विच हुंदा आ जिहड़ा इधरों भी कोआर्डीनेट कर सके इधरों भी कोआर्डीनेट कर सकदे उहनू कहिंदे एम बी डेंटेंट लिगेंड्स ठीक है जी। सो एम्बीडेंटेंट लिगेंड दे विच की आ जिहड़े बाइंड कर सकदे आ आइदर ऑफ द देयर टू डोनर एटम्स सॉरी आई थिंक कुछ प्रॉब्लम करके इदा हो रहा है टू डोनर एटम ते डिफरेंट फॉर्म बन जानी जिदा एक नाइट्राइटो एन बनी सी एक नाइट्राइटो ओ बनी सी पिछले लास्ट क्वेश्चन दे विच है ना ठीक है। मतलब कि जे कोई ये लिगेंड है एन ओ ये ए भी एटम एज अ डोनर एटम लिगेंड ओ हुंदा लिगेंड दे विच ओ एटम जिहड़ा डोनेट कर सकदा ए लुइस बेस हुंदे आ ठीक है विच कैन डोनेट जिहड़े डोनेट कर सकते जिदा ओ कर सकदा इधरों ठीक है दोनों ही जो कर सकते उन्होंने एम्बीडेंटेंट लिगेंड कहते तो एम्बीडेंटेंट लिगेंड जिहड़े आ लिंकेज आइसोमरिज्म शो करते हैं ठीक है जी। नैक्सट जो साढ़े को क्वेश्चन आ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉट लिंकेज आइसोमरिज्म हूँ ये तुम्हें अगेन की पता होना चाहिए किड़े एम्बीडेंटेंट लिगेंड है ना यही पता होना चाहिए ना तो अकॉर्डिंग जो आंसर ईजी हो जाना देखो एस सी एन ए भी एम्बीडेंटेंट लिगेंड है ठीक है होर तुहाडे कोल जिहड़ा आ इहदे विच एन ओ टू हुणे करवा के आई सी मैं तुहानू एच वी ओ एन ओ आ गया तो बचिया किहड़ा सी ऑप्शन सो ए लिंकेज आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा क्योंकि ए वाला जिहड़ा आ ए एम्बीडेंटेंट लिगेंड नहीं हैगा एम्बीडेंट हुंदे सी एन एक सी एन एस सी एन एन ओ ए हुंदे एम्बीडेंट ठीक है याद ही रख लिओ सो आ उही दस्सिया होया ने तुसीं पढ़ भी सकदे हो क्लीयर ए आइसोमरिज्म तुहाडा क्लीयर हो जाना काफ़ी सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव कोआर्डीनेट आइसोमरिज्म हूँ कोआर्डीनेट दसती मैं तुम्हें किड़े होंगे ये भी बड़े ईजी है ठीक है कोआर्डीनेट के हूँ पहली गल मेरे ध्यान ना सुनियो पूरी अरेजमेंट सेम रहनी चाहिए है बस जड़िया ये दो स्केयर ब्रैकेट्स होंगे ना इधर लिगण इधर शिफ्ट होना चाहिए इधरला इधर शिफ्ट हो जाए बस यही देखना होंगे आप ठीक है। सो हूँ देखो ये
जे मैं पहले नूं देखां कि केड़ा उन्हें पूछा केड़ा कोआर्डिनेट आइसोमरिज्म जिहड़ा नहीं शो करेगा, किहड़ा नहीं शो करेगा। आंसर तुसीं इहदा देख लिया कि फस्ट वाला जिहड़ा वो शो नहीं करेगा। ठीक है, हुण इहदे की हुंदा आ जदों एक्सचेंज ऑफ लिगेंड हैपन हुंदा बिटवीन कटायनिक एंड एनायनिक स्पीशीज़, मतलब एक कटायनिक स्पीशी होवे एक एनायनिक होवे, एक ते पॉजिटिव एक ते नैगेटिव। बट जे तुसीं फस्ट वाला देखो ना, इहदे विच दोनों जगह सेंटर वाला तां चेंज ही नहीं हो रहा, दोनों पॉजिटिव आयन वाली हो गई, तो इसका शो करेगा ही नहीं। यानी कि कोआर्डीनेट जिहड़ा आइसोमरिज्म शो करन वास्ते दो ब्रैकेट्स होने चाहिए, दैट्स ओके। ठीक है, बट एक स्पीशी कटायनिक होनी चाहिए, जिदा एक सी आर पॉजिटिव आ। ठीक है, पूरा कॉम्पलैक्स तो इतने सी एन नैगेटिव शो करेगा, इतने एन एच थ्री पॉजिटिव आ जाएगा। समझ रहे हो, मतलब कि एक स्पीशी पूरी कटायनिक बननी चाहिए, एक एनायनिक बननी चाहिए, बट ये सेम ही रहन करके सेम होन करके ये जड़ा शो नहीं करेगा, क्योंकि बहुत कॉम्पलैक्स है, सेम मैटल आइटम ए जी पॉजिटिव। नैक्सट है जी, हाँ जी नैक्सट है कोआर्डिनेट आइसोमरिज्म ऑफ एफ ई सी ओ फोर जेड एन सी एन फोर, यानी टैटरा ये की लगा हुआ है कार्बोनिल। ठीक है, तो ये की है टैटरा साइनो जिंकेट। ठीक है, हुण इहदे विच उहने कहा कि तुसीं इह दसो कि इहदा जदों आइसोमर बनेगा वह की बनेगा। मैं तुहानूं की दस्या सी हुणे इह च की होना हुंदा, लिंकेज इहने इधर शिफ्ट कर जाणा, इहने इधर शिफ्ट करना, जे इहनूं मैं इत्थे लै आवां जिंक नूं ते सी ओ नूं इत्थे लवां, नाम की बनेगा, चार तां इही आ है ना, वेट सॉरी। हुण इहदे विच की हो जाएगा टैटरा, जो इतने कार्बोनिल लग गया टैटरा कार्बोनिल जिंकेट हो जाए, जिंक हो जाएगा, इतने की हो जाएगा टैटरा साइनाइडो सी एन, इतने आ जाएगा ना फीरेट, यानी कि ए वाला ऑप्शन ताडा राइट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी गल, आई यू पी एस सी नेमिंग तो आ जरूर क्लीयर हो जाना कि एट पिछों क्यों लगा जो वीडियो बनानी है, बट फिलहाल आइसोमरिज्म मैं तुम दस रही हूँ इन्हें इधर शिफ्ट कर देना, यानी कि आयरन के नाल जिंक आ जाना, सो आयरन फीरेट कहते हैं, ये को सॉरी साइनो आ जाना, साइनो आ गया, तो जिंक के नाल की आ जाना तुहाडे को सी ओ कार्बोन। हाँ देखो जिंक के नाल टैट्रा मतलब चार, समझ रहे हो, बहुत ईजी है जो तुहानू क्लीयर हो जाने, कुछ कोई औखा नहीं है, बस इन्हें इन्हें आइडिया रख लो, तुहाडे पेपर से क्वेश्चन सही हो जाने। कोआर्डीनेट दे विच कुछ नहीं करना होंदा आइसोमरिज्म, यह चीज़ इधर शिफ्ट हो जानी है, वाला लिगेंड ए लिगेंड इधर शिफ्ट हो जाना, बस सिर्फ उन्हें कैटायनिक एनायनिक स्पीशीज विच लिगेंड चेंज करने। क्लीयर है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह जो मैं आई यू पी एस सी नेम करवाई सारा कढ़ना सिखा देना। द कंपाउंड सी ओ एन एच थ्री फोर सी एल एस ओ फोर बार देखा दिता, ये कि आइसोमरिज्म जी तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैं तुम दस दिनी हूँ, जो एक पूरी स्पीच दिती है वो तुम देखना, मैं तुम ध्यान दसन लगी है, तो देखो ध्यान देखियो, एक लिगेंड बार बाकी अंदर आ, अंदर वाला एक पॉजिटिव है एक नैगेटिव आ, दूसरी सेम दे विच बार वाला अंदर चल जाए, अंदर वाला बार आ जाए, तो हमेशा आयोनाइजिंग स्पीशीज आयोनाइजेशन जिहड़े आइसोमर हुंदे आ। दोबारा सुन लो मैं की दस्सिया, इहदे विच जो तुहानू अंदर भी लिगण देखण नूं मिलदे बाहर भी। ठीक है, बाहर वाला दूसरी बारी अंदर चल गया, जिहड़ा अंदर सी उह बाहर आ गया, यानी एस ओ फोर जे पॉजिटिव टू नैगेटिव सी एल नैगेटिव है ना, तो उहनूं कहिंदे आपां आयोनाइजिंग आइसोमर। हाँ देखो काउंटर आयन, काउंटर आयन सही ना, बाहर सल्फेट काउंटर आयन, ठीक है, ये डिसप्लेस हो गए सी एल के नाल। ठीक है, इनू आयोनाइजिंग आइसोमर कहते हैं। आ देखो ये रिएक्शन है, जिम्मे कहें एजी पॉजिटिव ऐड कर दवा तो की होएगा, यदि रिएक्शन जी वो होनी ही नहीं है, कि कारण देख लो, ये वाला जो डिसोसिएट इंटू कोबाल्ट आयन एंड सल्फेट आयन, एक ये टुटेगा, एक तो पॉजिटिव आ जाएगा, एक एसओ फोर टू नैगेटिव चल जाएगा। ठीक है, ये आयनस के टुट जाएगा, जिदन उन्होंने डिजोल्व करा वाटर के, ऑब्वियसली वाटर के डिजोल्व करने की आयोनाइज कर दिया। सल्फेट आयन डज नॉट रिएक्ट विद सिल्वर आयन, ऑन अदर हैंड आयोनाइजिंग आइसोमर जोड़ा आ जिदा दसिया आ बंदा सी एल बाहर आ जाता एसओ फोर अंदर आ जाता, सो इस करके इन्होंने इन्हें रिएक्ट करना ही नहीं है। द कंपाउंड अगला दसिया हुआ डज नॉट शो कि रिएक्शन जो आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, देखो ऑप्टिकली भी शो कर सकता, आयोनाइजिंग भी शो कर सकता, एक बार आ जाएगा अंदर आ जाएगा, लिंकेज एनओ टू लगा लिंकेज भी शो कर सकता, ऑप्टिकल है इमेजेस के अकॉर्डिंग जो सुपर इंपोजिबल नॉन सुपर इंपोजिबल देख कर देना। कोआर्डीनेट क्यों नहीं करेगा, मैं दसा कोआर्डीनेटली दो स्केयर ब्रैकेट चाहिए, ये तो है इको, ये कि शो कर देगा। ठीक है ना, ये नहीं शो करेगा। हाइड्रेट आइसोमर नाम तो हाइड्रेट वाटर के नाल जो गल हो जाती है, ठीक है, सो ये कि कहानी होगी कि सॉल्वेंट जोड़े वाटर के नाल करेंगे। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के नाल
नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ वाटर मोलीक्यूल दैट प्रेजेंट एज ए लिगेंड इन द सॉल्वेंट आइसोमर ऑफ हैक्सा। हूँ देखो हैक्सा की गल की है, हैक्सा एक्वा क्रोमियम थ्री क्लोराइड ना बनाया, देखो हैक्सा एक्वा छे वाटर लागे क्रोमियम तो थ्री क्लोराइड। हूँ जो इन्हें टुटना इन चो एक क्रोमियम की जो कोआर्डीनेशन नंबर के अकॉर्डिंग जोड़े छे जने अंदर रह जाएंगे, एक बार जा सकता सिर्फ एक ही बार जा सकता, ठीक है एक क्लोरीन अंदर आ गया, ठीक है। सो इस करके साढ़े तो जड़ा ये वाटर मॉलिक्यूल किन्ने रह सकते अंदर, पाँच किन्ने रह गए पाँच, बाकी एक सॉल्वेटेड हो गया। क्लीयर जिन्ना का कोआर्डीनेशन नंबर उन्ने अंदर रहने, बाकी जो डिस्प्लेस होकर एक वाटर बाहर चल गया एक क्लोरीन अंदर आ गया। क्लीयर है जी, इस करके इन अंदर किन्ने चाहिए फाइव। ये क्वेश्चन है चंगी तरह कल इस वीडियो दो या तीन बार सुन लेना, जो थोड़ी कॉन्सैप्ट पहली बारी आ तो क्लीयर हो जाएंगे, बाकी अगे अगे क्वेश्चन आने तो हो जाने क्लीयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।